करेंगे, आपका पुतला दहन भी करेंगे, पूरी तरह से रोड जाम भी होगा और आपको गांव गांव में घुसने तक नहीं दिया जाएगा। पैसा के चक्कर में अपने मूर्ति को बेच दिया, सब जानते होंगे अपने मूर्ति को बेच दिया, तो आप कैसे बोलोगे कि ब्राह्मण विकास का काम करेगा, वो तो अपना पेट भरने के लिए काम कर रहा है ना। चलो मानते हैं कि यहाँ ट्रस्ट का काम का, अगर ट्रस्ट बनाया है तो यहाँ का गांव के लिए कितना काम किया, जबकि वो ट्रस्ट यहाँ मंदिर का गांव का जमीन है ना। तो अरान या को निकु अबू हो को दो ऐसो मूर्ख गया को निकु ना या कजरे कजी मिलो योजना को तरह महिलाओं को आकर्षित को लगे 1000 रुपए मट को तना ना कुली को मापुलम को एरा तुम को कुली को आकु मैंने को कहा के ना तो एटा सरकार तो जानो का मट हुए ना हेमंत सोरेन 1000 मट हुए नीनी के वोट हुए मई मैं तो जब से ना 2019 से 24 जगह ने ले अबू खाली भूमि अधिग्रहण इना कौन को आदिवासी को, जबकि नेता सीएनटी एक्ट लागू किने चालू किने 1908 एकदम ना रहेगा एनरो नेता ने लतन गया चबू आदिवासी को ओते सुमेल रहे होतना, चाहे वो कंपनी के नाम पे हो, चाहे वो डैम के नाम पर हो, चाहे वो मंदिर के नाम पे हो, चाहे विकास के नाम पे हो। तो नैन सरकार जो है प्रभु हेमंत सोरेन ने खुद गवर्नेंस बॉडी ने रम रही नैन रे खुद गवर्नेंस बॉडी में ट्रस्ट नहीं आए नेता चेतन सोरेन एकदम आए मुख्यमंत्री बनाई तो नैन गवर्नेंस बॉडी आए गए मैंने आए तो चेतन रे मैंने राज्यपाल ना इंतेंदो ये तैकिना नी राधाकृष्ण ना दो ना चेंज हुरे ना ना निंता रे गाचमिन आदिवासी समुदाय को बिना बुइन तालमला रे मंदिर कोइस पूरे बाई होतना जगह जुकुई जुकुई एम मिडे को तांते मारंग मंदिर ने रे चिकन टिपणी बने मिया ने ना के मने तया छी कोना दोगे दोना दोगे तो कोना पकड़ेगा ये लोग ने डायलॉग में एम लिख दिया ने तो सबे चिरगिले ते दरकार छी निकू दो ना सुवे सुवे ते अब तो जुड़ी को अब निको आरा बिहार छपरा पात हो जी को अपन लोग बने तो जुड़ी ने को इनको जगह मेमा को मेरे ठेलम लगा चिको एटा मुसिंग होटल को बेरंगा है मैं तो अबू तो ओकर मुसिंग ने तो चना करिंग तो चना सुमला करिंग रंगा होते। बहुत बहुत धन्यवाद जोहर के। और सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा, मेरा नाम अर्जुन मुंडा है और चकरदरपुर से मैं आया हूँ, मुंडा समाज का अगुआ है और आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं दिवड़ी दीरी के इस ग्राम में, जो यहाँ आके हम लोगों को पता चला और मीडिया के माध्यम से पता चला, जो मीडिया कुछ और कह रही है और गांव का स्थिति कुछ और बता रहा है। तो मीडिया का कहना है कि यहाँ के ग्रामीणों ने ताला जाड़ दिया। भाई ताला क्यों जाड़ा है इस पर भी विचार करिए, बात करिए, अपना इतिहास को उठाइए और देखिए कि इससे पहले इतिहास क्या रहा है। यहाँ आदिवासी का पहले से मंदिर था कि नहीं था इस चीज को जानिए। यहाँ आदिवासियों का एक देवी हुआ करता था जो हम लोग उसको दिवरी दीरी के नाम से जानते थे, जाने जाते थे। आज उसको मंदिर में बदल दिया गया है, परिवर्तित किया गया है। तो ये मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आए सब कोई पूजा करे, पूजा अर्चना करे, लेकिन गांव के लोगों को वंचित करना ये कहाँ का न्याय है। देखिए 164 का नोटिस तो जारी किया है, ये हम लोगों तक भी लेटर आवेदन पहुंचा हुआ है, लेकिन ये ग्राम सभा पे लागू नहीं होगा। थोड़ा सा इसको प्रशासन को भी समझना होगा। और जो दिवरी मंदिर का जो ट्रस्टी है, यहाँ बहुत सारे ऑफिसर भी हैं, इसलिए वह लोग नहीं चाहते हैं कि ग्रामीण इसका मालिकाना हक ग्रामीणों को मिले। आज वहाँ ट्रस्ट बन जाएगा, ट्रस्टी हो जाएगा, तो फिर यहाँ के ग्रामीणों का जो रोजी रोजगार है वो चिन जाएगा, ये तो स्वाभाविक दिख रहा है, लेकिन मीडिया के द्वारा कुछ और दिखाया जा रहा है, ये गलत है। हम लोगों का जो लड़ाई है, जो हमारा जो मांग है, वो मांग कुछ और है। यहाँ के मुंडा रियायतियों का जमीन है, इस रियायतियों का जमीन पे उन्हीं का हक होना चाहिए, ना कि बाहरियों का। आज हमारे झारखंड में हमारा ही लोग मंत्री हैं, हमारा ही लोग ये विधायक हैं, उसके बावजूद हमारे ही आदिवासी भाई लोगों के साथ में इस तरह का शोषण किया जा रहा है, दहन किया जा रहा है, ये गलत है। काफी महिलाओं के साथ में मारपीट किया गया है, यहाँ आके पता चल रहा है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए आज हमारे क्षेत्र में बहुत सारे विधायक हैं, MLA हैं, जो कि वो आदिवासी हैं खुद, उसके बावजूद ये लोग हमको लगता है ये आदिवासी नहीं है, इनका कौन आदिवासियत नहीं है, नहीं कह रहा है। आज आदिवासियत इनका कौन कह रहा होता तो आज यहाँ आदिवासियों का जो समस्या है, मूल समस्या है, उस पर वे लोग बात करने आते। अगर ये बैठक, ये ग्राम सभा के से हमारा ये जो समस्या जो उत्पन्न हुई है इस ग्राम सभा से, अगर आज इस ग्राम सभा का जो समस्या है उसका समाधान नहीं होगा, तो आगे चल करके हमारा एक उलगुलान तैयार होगा,
जैसा हमने यहाँ से झारखंड से जैसा हमने ब्रिटिश सरकार को भगाया, यहाँ उनका हुकूमत चलने नहीं दिया, उसी प्रकार से झारखंडी फिर से बिरसा मुंडा जाग जाएगा, इसका नौबत ना आए। सभी से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि भाई हमारे जो आदिवासी समाज के लोगों के साथ में, हमारे आदिवासी समाज के साथ में इस तरह का जो व्यवहार किया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही कह के। वाक अधिकार पर अगर बात करें तो एक उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण के तौर पर चलो एक दोस्त को हम अपना घर रख लेते हैं, उसको दो दिन हम खिलाते हैं पिलाते हैं, कपड़ा भी चलो मान लेते हैं कि खर्च दे रहे हैं, रहने का दे रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं ना है कि वो आकर के मेरे घर से भी हिस्सा मांगे कि ये घर का आधा हिस्सा हमको चाहिए, ये तो नहीं ना हो सकता है। बिल्कुल, इस बात से ना अब ले लिया अब इमन तिमन टाइट रहे, अब कोल्हान इन पार या जो चाहे बसा टाइट रहे, नाम बदल दे रहा है, मंदिर की स्थापना लगातार की जा रही है सब जगहों पे, ऐसे नाम बदल बदल कर ऐसे कुलान रिया वो जगह तंडा तो ना वो जगह उतरेंगे चक्रधरपुर रिया, चक्रधरपुर रिया वो कजीत ने चक्रधरपुर में एक प्रसिद्ध जगह है, मंदिर है केरा मंदिर, वहाँ का ब्राह्मण लोग, हाँ वहाँ का ब्राह्मण लोग कितना खतरनाक काम करते हैं, उसका एक उदाहरण बता रहे हैं, पैसा के चक्कर में अपने मूर्ति को बेच दिया, सब जानते होंगे अपने मूर्ति को बेच दिया, तो आप कैसे बोलोगे कि ब्राह्मण विकास का काम करेगा, वो तो अपना पेट भरने के लिए काम कर रहा है ना। चलो मानते हैं कि यहाँ ट्रस्ट का काम अगर ट्रस्ट बनाया है तो यहाँ का गांव के लिए कितना काम किया, जबकि वो ट्रस्ट यहाँ मंदिर का गांव का जमीन है ना, तो गांव का भी विकास होना चाहिए ना। तिरी में जो घटना घटी है इससे हम लोग को ये मिलता है कि देखिए ये जो चिंगारी लगा है, ये चिंगारी से हम लोग को जागने की जरूरत है, चाहे रांची हो, तमाड़ हो, या पश्चिम सिंहभूम हो, जमशेदपुर, हर जगह ये बिकू लोग कब्जा पे कब्जा करते जा रहे हैं। तो मैं अपने युवाओं से और बाकी लोगों से कहना चाहूँ, अब अभी आप नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे, हम लोग अपने लोगों को जिता कर ला रहे हैं, हमारे MLA MP विधायक संसद मंत्री जो भेजते हैं उनको बता देना चाहते हैं कि देखिए अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, अभी अगर फेवर ये दिवड़ी दिरी वाला केस या फिर बाकी लोगों जगहों में हमारे फेवर में नहीं आया तो हम लोग पूरा विरोध करेंगे, आपका पुतला दहन भी करेंगे, पूरी तरह से रोड जाम भी होगा और आपको गांव गांव में घुसने तक नहीं दिया जाएगा। सुनील लागुरी चक्रधरपुर अलिंग मैम दिवड़ी दिरी जो मीडिया के माध्यम से हजूर मीटिंग तैयार है, जितना को सभा करा लो मुंडा हो को सोबे प्रशासन आगो का कर दो एकदम रोड जाम हुआ, कल जेल भरो आंदोलन हुआ हुआ को सभा करना ना तो दो दिन की सबक ना, अच्छा इनकी एकदम 108 हो को दर्ज है ना, इनको एकदम रिया होगा कर दो एकदम जेल में जेल भरो आंदोलन हुआ हुआ कर दो, एक तो नहीं तो रोड जाम होगा, हम लोग जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, हम लोग मुंडा का जमीन है। निंदा रही जो दोनों वो है ना, जैसे बैठक हुआ चिकन चिकन निर्णय को आर पाइडो या ना जो अब इनको पर नहीं कटाएं ना, तो काले ना रूपरेखा ले तैयार रहना चाहिए, आने वाला दिन 15 दिन के भीतर है कुछ एक तो विशाल जनसभा हुआ हुआ, उसके बाद सरकार इन्हें दिक्कत हुई थी, अब मुंडा को जमीन चिके तो इटा कुमक हुआ, मुंडा का जमीन किसी को नहीं दे सकते, मुंडा का जमीन मुंडा ही ले सकता है, अब क्यों पांडा को दे दिए हैं, ये गलत है। हम लोग मुंडा जनजाति से दो समुदाय से जो मुंडा समुदाय दो जन जो जेल गया है उसको अविलंब रिहा करो, नहीं तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे, नहीं तो छक्का जाम करेंगे। तो इस वक्त नए समय अब निंता रिया जगह को वायुम कर गया ची जो प्रशासन में नहीं है निंता रे धार्मिक मामले रे बारो गिरफ्तार कर किने और निंता टाइड जो तकरीबन इन टाइड को तारे विवाद चलाओ करना इंता थे तकरीबन 1 किलोमीटर सानिंग रे ना इन दोनों फुटबॉल गोड़ा रे हुबंत ना प्रशासन को आकाजी बिना चिंता रे निंतारन को हागिया को आकाजी टाइग ना ची हुआ हुआ से नाम कहते प्रशासन काजी को आ चिंता रे आलापे हुआ रे यानी कि दोनों को आलापे उंडिन पे मेंतिया निपा देता टाइड देते हागिया को जो बिटा करना देगा लगी थे सनाम को जोर के